वक्त हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर, जो कि गोरखपुर में बना है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और उसके बाद ये 2019 में यहाँ बनता है, इसकी शुरुआत होती है और बुनियादी जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी यहाँ के लोगों के लिए यहाँ मुहैया कराई जाती है। इसके बनने से पहले लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा बनारस जाना पड़ता था लोगों को, लेकिन इसके बनने के बाद करीब 2,500 से 3,000 लोग औसतन यहाँ आ रहे हैं, उनका यहाँ इलाज हो रहा है। PMSSY स्कीम जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, हेल्थ सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ये प्रण लिया था कि हम हर एरिया में जो कि अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड हैं उसमें हम हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध कराएं टर्शियरी केयर लेवल की। इसलिए उन्होंने इसके तहत बहुत सारे एम्स की स्थापना का वचन लिया था और एम्स गोरखपुर उसी में एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्वास्थ्य की सभी तरह की सुविधाएं आम जनता को मुहैया कराएं जो कि कम दामों में हो और इजीली उपलब्ध हो। प्रत्येक दिन हमारे पास जो OPD में मरीज आते हैं वो 2,000 से 2,500 के बीच में होते हैं। हमने अभी जो इनिशियल स्टार्ट किया है वो अपॉइंटमेंट बेस पे स्टार्ट कर दिया है। पेशेंट्स का पेशेंट अपना अपॉइंटमेंट खुद अपने मोबाइल ऐप से ले सकता है और अपना अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है, जहाँ उसका OPD स्लिप बन करके एक कार्ड जनरेट होता है और उसको पेशेंट को OPD में दिखाया जाता है। यहाँ पे 51 लाख की पॉपुलेशन गोरखपुर की, उनको तो कैटर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नेपाल से आते हैं और बिहार से, और ख़ास करके माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो लेबरर कैटेगरी के हैं या वो लोग जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो बहुत बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते। अच्छा, हम लोगों के पास पेशेंट का नंबर बहुत अच्छा है। में हमारा पहला MBBS का बैच आया था और वो 50 स्टूडेंट्स का था। उसके बाद जो सेकंड बैच आया वो 125 स्टूडेंट्स का है और अभी तीसरा बैच जो है हमारा दिसंबर में आ जाएगा, वो भी 125 का होगा। ये सारे MBBS के स्टूडेंट्स यहीं पे ही पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे पास सारी सुविधाएं हैं इनको पढ़ाने की, चाहे वो ऑडियो विजुअल से है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हम उनको वो जानकारी और इस तरह से स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि इवन कोविड में भी उनको स्किल ट्रेनिंग देनी हो तो हमें पेशेंट से डायरेक्टली संपर्क में आए बिना सिम्युलेटर की ट्रेनिंग उनकी कराते हैं या उनको दिखाते हैं। वर्चुअल डिसेक्शन टेबल है जिसमें डायरेक्टली आपको पेशेंट को नहीं टच करना है या कैडेवर को टच नहीं करना है, बट यू कैन लर्न। कोविड पैंडेमिक में आपको जानकारी देना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे BRD हॉस्पिटल है जो स्टेट मेडिकल कॉलेज है, उसको हमने पूरा कोविड बना दिया था, उसमें कोविड की फैसिलिटीज़ थी। और हमारे यहाँ पे हमारे माननीय CM सर योगी जी ने कहा था कि आप नॉन कोविड फैसिलिटीज़ पूरे से दीजिए। हम लोगों ने जिस समय कहीं पर भी OPD की सुविधाएँ नहीं थी, हमने पेशेंट्स को OPD की सुविधाएं मुहैया कराई जो कि फिजिकल OPDs थी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जब भी डेवलप होता है तो अपने अपने साथ एक समाज को भी डेवलप करता है। साथ ही साथ गोरखपुर एम्स में ही तकरीबन हमारे 3,000 के आसपास लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आगे जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए आगे के टाइम समय जब आएगा तो पेशेंट्स जब लोड बढ़ेगा, हमारा IPD का लोड बढ़ेगा, तो उस समय मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, तो आपका रैन बसेरा में बहुत सारे लोग रहेंगे जो उनकी सेवा भी करेंगे, खाना बनाना, किचन के लोग हो गए, साफ़ सफाई करने वाले लोग, सब लोगों की नंबर भी इंक्रीज़ होंगे।